हेलो एवरीवन, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या हैं तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है मैं वहाँ पे को डाल दूँगा। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखो, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा था, तो ऑलरेडी लगभग 2 वीडियोज़ चालुक्य वंश के बारे में बन चुके हैं। ठीक है, उन वीडियोज़ को आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना। तो ये जो मैप है, इसमें जितना भी आप लोगों को डैश डैश वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा क्या था, चालुक्य वंश का था। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब ये जो चालुक्य शासन है, इसके उत्तर में कौन था, हर्ष था। ठीक है, यानी कि जो चालुक्य हैं उन्होंने उत्तर में हर्ष का सामना किया, और पूर्व में यानी कि ईस्ट की तरफ पल्लवों का शासन हुआ करता था। तो इन्होंने ईस्ट की तरफ किसको फेस किया, पल्लवों को फेस किया। ठीक है, और ये जो आप लोगों को छोटी सी एक पट्टी जैसी नज़र आ रही है, ये महाराष्ट्र से लेकर नीचे कर्नाटक केरल तक ये जो पट्टी जाती है, ये पतली सी पट्टी थी, कोंकण तट इसको बोला जाता था। तो इन्होंने वेस्ट में क्या किया, कोंकण तट में मौर्यों का साम्राज्य हुआ करता था। तो मौर्यों से मौर्यों का इन्होंने क्या किया, सामना किया। तो ओवरऑल तीन तरफ से ये तीन बड़े शासकों से घिरे थे। देखो, चालुक्यों के टाइम तक मौर्य जो थे वो धीरे धीरे लगभग लगभग अपनी अपने पतन की कगार पे थे। ठीक है, लेकिन उत्तर में हर्ष जो था वो एक शक्तिशाली साम्राज्य था हर्ष का। इधर पल्लवों का भी अपने आप में शक्तिशाली साम्राज्य था, और इधर मौर्य हो गए। और नीचे के जो राज्य हैं, जैसे ये केरल का राज्य हो गया, उसके बगल में तमिलनाडु का राज्य हो गया, नीचे के राज्यों से इन्होंने मित्रता की थी, मैत्री संबंध थे। और ये अगल बगल के जो तीन राज्य हो गए, इनसे इनके शत्रुतापूर्ण संबंध थे। अब देखो, मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपने पढ़ना है, क्योंकि हर एक शासक के बाद कौन सा शासक हुआ, उसने क्या किया, इतना सब कुछ पढ़ने का टाइम होता नहीं है। और अगर इतना सब कुछ आपने पढ़ भी लिया तो आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी। ठीक है, तो जो मेन मेन चीज़ें होती हैं हमने उसको कवर करना होता है, और एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उस राजवंश का, उसको हमने समझना होता है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उस समय की संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस समय जो कला थी, उस समय जो साहित्य था, और कुछ जो शासक थे उन्होंने जो कुछ इम्पोर्टेंट काम किए, तो उन चीज़ों से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो देखो, हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट है ये बादामी है। ठीक, कर्नाटक में बादामी हुआ, बादामी में चालुक्यों की जो शाखा उभरी वो बादामी में उभरी, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बादामी के चालुक्य भी बोलते हैं। तो 2 से 3 शाखाओं में इनको हम लोग पढ़ेंगे। एक तो बादामी के चालुक्य हो गए, कल्याणी के चालुक्य हो गए, वेंगी के चालुक्य हो गए, तो इस तरीके से। ठीक, हम लोग पहुंचे थे पुलकेशिन द्वितीय तक। ठीक है, कहाँ पहुंचे थे, पुलकेशिन द्वितीय। तो देखो, पुलकेशिन द्वितीय कौन था, ये चालुक्य वंश का एक शक्तिशाली शासक था। ठीक, अब देखो हुआ क्या इसमें, कि पुलकेशिन द्वितीय तक मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, पुलकेशिन द्वितीय के बाद, पुलकेशिन द्वितीय के वैसे तो 5 पुत्र हुए। ठीक है, लेकिन 5ों के बारे में हमने पढ़ना नहीं है, हमने इसमें पढ़ना है। देखो, मैं आप लोगों को एक बार टाइमलाइन बता देता हूँ, जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद बता दूंगा। इसके 5 पुत्रों में से एक था, ठीक, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम। ठीक है, तो देखो, सत्ता जो मिली पुलकेशिन द्वितीय के बाद, पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद जो सत्ता मिलती है वो किसको मिलती है, विक्रमादित्य प्रथम को मिलती है। अब यहाँ पे कोई ऐसा भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है नहीं जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो देखो, फिर ये जो विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य प्रथम था। ठीक है, विक्रमादित्य प्रथम के बाद जो सत्ता में आता है वो आता है विजयादित्य, और इसको आप लोग इसी तरीके से याद करना, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे ऐसा कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं आप लोगों का। ठीक है, हाँ, अगर आप लोग जैसे हिस्ट्री से नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो जो पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट का हो, तो फिर डीप क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो फैक्चुअल चीज़ें जो भी होगी वो मेन मेन चीज़ें ही होती है। ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा डीप में घुस के आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। तो पुलकेशिन द्वितीय के बाद कौन आता है, उसके 5 पुत्र थे, उनमें से विक्रमादित्य प्रथम जो है वो शासक बनता है। उसके बाद आता है विजयादित्य, विजयादित्य के बाद दोबारा से क्या आता है, विक्रमादित्य द्वितीय आता है। ठीक है, ये था प्रथम, ये था द्वितीय,
विक्रमादित्य द्वितीय। तो देखो यहाँ पे को कुछ एकाधिक इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, इन फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। विक्रमादित्य द्वितीय के टाइम के, ठीक, जब विक्रमादित्य द्वितीय शासन कर रहा था तो उस टाइम पे क्या होता है, ये इसके शासन के दक्षिण में यानी कि नीचे वाले हिस्से में पहली बार क्या होते हैं, अरबों के आक्रमण होते हैं, ठीक है, मतलब शासन के प्रथम वर्ष में क्या होता है, अरबों के आक्रमण होते हैं। देखो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि नरसिंह वर्मा जो था, ठीक है, नरसिंह वर्मन, उसने पुलकेशिन द्वितीय को क्या किया था, पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, और कौन सी उपाधि धारण की थी, वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, ठीक है, किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा के वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो जब विक्रमादित्य द्वितीय शासक बना, तो विक्रमादित्य द्वितीय जब शासक बनता है तो वो क्या करता है, ये पल्लवों की जो राजधानी थी कांची, ठीक है, कांची पे अधिकार करता है और नरसिंह वर्मन प्रथम को हराता है। देखो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, जब विक्रमादित्य द्वितीय शासक बनता है तो नरसिंह वर्मन को हराता है। तो नरसिंह वर्मन ने क्या किया था, देखो यहाँ हुआ पल्लवों का शासक हुआ कौन, नरसिंह वर्मन, ठीक है, नरसिंह वर्मन, ये क्या हुआ, पल्लवों का शासक हुआ। तो इसने क्या किया, वातापी को जीता, ठीक है, वातापी पे आक्रमण किया, वातापी को जीता, किसके समय में, पुलकेशिन द्वितीय के समय में, ठीक है। तो इसने यहाँ आक्रमण किया, वातापी को जीता, और वातापी को जीत के कौन सी उपाधि धारण की, वातापी कोंड की उपाधि धारण की। तो उसी प्रकार जब विक्रमादित्य द्वितीय यहाँ का शासक बना तो इसने क्या किया, यहाँ इनकी जो राजधानी थी कांची, ठीक है, कांची को जीता और कौन सी उपाधि धारण की, कांची कोंड की, ठीक है, कांची कोंड की उपाधि धारण की। तो ये एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि कांची कोंड किसकी उपाधि थी, या फिर वातापी कोंड किसकी उपाधि थी, मतलब कोंड मतलब जीतने वाला, तो वातापी को जीता तो वातापी कोंड हो गया, कांची को जीता तो क्या हो गया, कांची कोंड हो गया। तो नरसिंह वर्मन प्रथम की जो उपाधि थी वो क्या थी, वातापी कोंड, और विक्रमादित्य द्वितीय की जो उपाधि थी वो क्या थी, कांची कोंड, ठीक है। अब देखो ये जो विक्रमादित्य द्वितीय था इसकी दो रानियां थी, एक का नाम था लोक महादेवी और दूसरे का नाम था त्रिलोक्य महादेवी। एक का नाम क्या था, लोक महादेवी, और दूसरी रानी का नाम था त्रिलोक्य महादेवी, ठीक है। वैसे तो जो पुराने शासक हुआ करते थे उनकी इतनी रानियां हुआ करती थी कि उनको खुद भी पता नहीं होता था मेरी कितनी रानियां हैं करके, ठीक है, ये अक्सर देखने को मिलता है इतिहास में अगर हम देखेंगे तो। फिलहाल यहाँ पे को क्या है कि दो रानियों का जिक्र है, लोक महादेवी और त्रिलोक के महादेवी। तो इसमें से जो लोक महादेवी थी, ठीक है, लोक महादेवी ने लोकेश्वर के पाषाण मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, लोकेश्वर के पाषाण मंदिरों का निर्माण कराया। तो ये एक फैक्ट बनता है आप लोगों का कि लोकेश्वर के पाषाण मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, ये कराया था लोक महादेवी ने, ठीक है। और ये जो लोकेश्वर के पाषाण मंदिर हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को विरूपाक्ष बोला जाता है, ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, विरूपाक्ष बोला जाता है। विरूपाक्ष का जो मंदिर हुआ वो दरअसल क्या है, लोकेश्वर का जो पाषाण मंदिर है वही विरूपाक्ष है, और किसने बनाया था, लोक महादेवी ने बनाया था। और ये लोक महादेवी कौन थी, विक्रमादित्य द्वितीय की रानी थी। तो इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो विरूपाक्ष मंदिर है वो किसके समय में बनाया गया, ऑप्शन ए विक्रमादित्य द्वितीय, ऑप्शन बी विक्रमादित्य प्रथम, ऑप्शन सी, ठीक है, विजयादित्य, ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। तो इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाएंगे,
तो हल्का फुल्का एक आइडिया उनको होना चाहिए कि किसके टाइम पे क्या बना था घर के। ठीक, ये था आप लोगों का। और इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ विक्रमादित्य द्वितीय के बाद, ये आता है कीर्तिवर्मन। ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय के बाद क्या आता है? कीर्ति वर्मन। देखो, एक कीर्ति वर्मन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो ये क्या होगा? कीर्ति वर्मन द्वितीय होगा। ठीक, कीर्ति वर्मन द्वितीय होगा। अब ओवरऑल जो टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन को समझो। अगर आप लोगों ने इससे पिछला वाला वीडियो देखा है, इससे पिछला वाला और उससे पहला वाला वीडियो देखा है, तो एक टाइमलाइन जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, और जो इस टाइमलाइन में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आप लोगों को पता चल गए होंगे। टाइमलाइन क्या थी कि जो चालुक्य वंश है, सबसे पहले जयसिंह और रणराग। ठीक है, रणराग, जयसिंह और रणराग दो शासकों के नाम मिलते हैं किसमें? लेखों में, जो चालुक्य लेख हैं उसमें दो शासकों के नाम मिलते हैं। लेकिन ये कदम्बों के अधीन काम किया करते थे, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें से जो रणराग था, रणराग का जो बेटा हुआ, पुत्र हुआ, वो हुआ पुलकेसिन प्रथम। ठीक है, पुलकेसिन, अब पूरा नहीं लिखता, ऐसे लिख देता हूँ, पुलकेसिन प्रथम। ठीक, अब देखो ऐसा नहीं है कि उसका एक ही पुत्र हुआ, अगर दो तीन पुत्र भी हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वंशावली बता रहा हूँ किसके बाद कौन उत्तराधिकारी बना, मीन्स कि किसके बाद शासन किसने संभाला। ठीक है, ये चीज़ें। तो इसका जो पुत्र था पुलकेसिन प्रथम, उसने सत्ता संभाली। पुलकेसिन प्रथम के फिर अगेन तीन पुत्र होते हैं, अब तीनों का नाम लेने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो पुलकेसिन प्रथम जो है, उसमें देखो उसके तीन पुत्रों में कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश। ठीक है, कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश, ये दो क्या थे? पुलकेसिन प्रथम के थे। तो सत्ता किसके हाथों में आती है? कीर्तिवर्मन के हाथों में आती है। कीर्तिवर्मन का जो पुत्र था वो था पुलकेसिन द्वितीय। ठीक है, अब कीर्तिवर्मन की जब मृत्यु होती है तो पुलकेसिन द्वितीय क्या था? अवयस्क था, इनकी बच्चा था, छोटा था। तो सत्ता किसके हाथों में आती है? मंगलेश के हाथों में आती है। मंगलेश के हाथों में जब सत्ता आती है तो ये डिसाइड होता है कि मंगलेश क्या करेगा। जब पुलकेसिन द्वितीय बड़ा हो जाएगा तो सत्ता किसको दे देगा? पुलकेसिन द्वितीय को दे देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पुलकेसिन द्वितीय जब बड़ा हो जाता है तो मंगलेश सत्ता देने से इनकार कर देते हैं। तो यहाँ पुलकेसिन द्वितीय का मंगलेश के साथ क्या होता है? युद्ध होते हैं। ठीक है, यानी कि पुलकेसिन द्वितीय का क्या हुआ? मंगलेश चाचा हुआ। तो अपने चाचा के साथ इसका क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें मंगलेश क्या होता है? मारा जाता है। और सत्ता किसके हाथों में आती है? पुलकेसिन द्वितीय के हाथों में आती है। ठीक, और पुलकेसिन द्वितीय क्या है? इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट राजा है। अब पुलकेसिन द्वितीय के अगेन पांच बच्चे हुए, पांच पुत्र हुए, तो पांचों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को बताया पुलकेसिन द्वितीय के बाद कौन आया? विक्रमादित्य प्रथम शासक बना। ठीक है, विक्रमादित्य प्रथम। तो देखो विक्रमादित्य प्रथम के बाद क्या होता है आप लोगों का? विक्रमादित्य प्रथम के बाद विनयादित्य बना, विनयादित्य के बाद विजयादित्य बना। ठीक है, विनयादित्य, उसके बाद कौन बना? विजयादित्य। विजयादित्य के बाद कौन बना? ठीक है, विजयादित्य के बाद बना विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक, विक्रमादित्य द्वितीय, और इसके बाद लास्ट में कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है, कीर्तिवर्मन द्वितीय। और यहाँ पे को क्या होता है? लगभग इनका जो शासन है वो क्या होता है? धीरे धीरे समाप्त होता है। उसके बाद ये हम लोगों ने क्या करना है? पूर्व में जो कल्याणी के चालुक्य थे उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्या होती है? एक शाखा वहाँ चले जाती है और धीरे धीरे इस शासन का क्या होता है? पतन होने लगता है। तो इसमें बेसिक चीज़ें इतनी थी, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। अब देखो चालुक्यकालीन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे, मैंने इसको फटाफट में क्यों बताया? क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो चालुक्यकालीन संस्कृति, चालुक्यकालीन कला, वहाँ की जो स्थापत्य कला है, चित्रकला है, वहाँ की जो संस्कृति है, इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। ये किसके बाद कौन राजा आया, ये इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैंने वीडियो इसलिए बना रखे हैं क्योंकि आप लोगों को एक टाइमलाइन समझ में आ जाए कि हाँ जो चालुक्य वंश है उसमें हुआ क्या था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।